नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैंक प्रबंधक बोले जल्दी टांगेंगे नो पार्किंग का बैनर। हमारे चैनल ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में नो पार्किंग की व्यवस्था न होने की खबर को बड़े ही प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसको पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में लेकर बैंक प्रबंधन को समझाइश दी थी कि वे जल्द से जल्द नो पार्किंग का बोर्ड लगाएं और एक गार्ड की व्यवस्था करें। 7 दिन बाद हमारा चैनल फिर पहुंचा इस बात की पड़ताल करने कि बैंक प्रबंधन अपनी बात पर कितना आगे बढ़ा। हमसे बात करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने ये बात कही कि हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कोई गार्ड नहीं है, लेकिन आने वाले सोमवार तक हम नो पार्किंग बोर्ड की व्यवस्था कर देंगे। अब देखना यह है कि 3 बैंकों के समूह को लेकर चल रहा यह बैंक बिना गार्ड के कब तक अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला पाता है। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। 9 बजे हैं और आपको ये रोड दिख रहा होगा 40 फीट का, क्योंकि पूरा रोड अभी खाली है, लेकिन 11 बजते यह रोड पूरा हो जाता है, मात्र 10 फीट का बचता है। कारण क्या है कि यहाँ सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा और इस बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़े होते हैं कई वाहन, क्योंकि इस बैंक ने पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की है, उसकी वजह से आम नागरिक काफ़ी परेशान होते हैं। अब हम यहाँ के नागरिकों से पूछेंगे कि उनको क्या क्या परेशानी होती है। बस आपके बैंक के बाहर जो नो पार्किंग चल रही है, इसके पहले भी हम आए थे, फिर यातायात वाले भी आए थे, तो आपने उनको क्या कहा है कि आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? हमने उनसे यही निवेदन किया है कि जो बैंक के सामने जो है एक बोर्ड, एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना लगा दी जाएगी नो पार्किंग, मतलब कि लोग जो है रोड पे गाड़ी खड़ी ना करें, जिससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो। अगर ट्रैफिक नियमों का अगर वो उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए जो भी दंड होगा, चलन होगा, वो जुर्माना उनको भरना पड़ेगा, और लोगों को बोला है कि व्यवस्थित गाड़ी खड़ी करें। ये व्यवस्था कब तक हो जाएगी आपकी? ये व्यवस्था जो है बैनर के लिए हमने भेज दिया है, तो आज शाम तक या सोमवार के पहले बैनर लग जाएगा बैंक के सामने। आपने कहा था हमारा गार्ड भी इस व्यवस्था को देखेगा, उसके लिए बैंक में भी वर्तमान में गार्ड जो है, गार्ड की व्यवस्था तो नहीं है, और जो टेम्पोररी स्टाफ जो हमारे है डेली बेसिस, उनको हमने बोल रखा है, वो बीच बीच में बैंक में बोलते रहता है, मतलब बैंक प्रीमाइसेस में लोगों को बोलता है कि अगर आपकी गाड़ी इधर उधर खड़ी है, रोड पे कहीं खड़ी हो, तो अपनी व्यवस्थित गाड़ी खड़ी करें, व्यवस्थित जगह पे गाड़ी खड़ी करें।